तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमेशा एक तरह की वीडियो और गाइस। तो आज का जो हमारा वीडियो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बोर्नियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सारी चीज़ें अपडेट होते हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। अगर आपको पता होगा तो वीडियो को एंड कर सकते हैं, बाकी नहीं पता है मेरे भाई तो वीडियो को लास्ट एंड तक आप ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्नियो में क्या कुछ ऐसा नया है जो फ्यूचर्स आप नहीं जान पा रहे हैं। तो इसमें बहुत हमें तीन बहुत खास चीज़ें एडेड लगी हुई हैं। मैं आपको तीन अपडेट के बारे में आपको बता देता हूँ और क्या नया है वो सारा कुछ मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इनके अपडेट्स के, खास अपडेट्स के बारे में गाइस। बोर्नियो ये ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देता है इंटरफेस, इसमें छोटा सा हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें आपको फोन्स रहते हैं, इसमें आपको लैपटॉप रहता है, इसमें आपको स्मार्ट बोर्ड रहता है, इसमें आपका रहता है कंबाइंड करने के लिए दो पेजों को, इसमें आपका पार्ट फाइंडर है कि अगर आपको कोई आईसी नहीं मिल रहा है तो आप उससे रिलेटेड कंफर्टेबल आईसी को ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डाटा वर्क की बात करते हैं। डाटा वर्क मीन्स ऐसा, मतलब आपको यहाँ पे फ्लैश फाइल, ईएनजी फाइल, सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मिल जाते हैं। डन डॉक्यूमेंट इनका एक ग्रुप है जिसमें आपको ये काम होते हैं बोर्नियो से रिलेटेड, तो बताते हैं कि क्या क्या काम हुआ है, शेयर कर सकते हैं और आपकी प्रोफाइल है। तो ये इसका इंटरफेस है मोबाइल में। तो चलिए मैं सबसे पहले अपडेट की बात करूं। यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ी नहीं करेंगे, मैं आपको मेन मेन अपडेट बताऊंगा। तो सबसे पहला अपडेट ये है गाइज की, देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉन्टेंट। मतलब गाइज की सबसे बहुत अच्छा अपडेट लगा कि मान लो सपोज दैट किसी सैमसंग का, आपको किसी फोन का, किसी ब्रांड का, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो कस ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड में, तो सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे किसी सैमसंग, किसी ओप्पो, वीवो, एम आई का आपको नहीं मिल पा रहा है, हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, बिट मैप नहीं है, डायड वैल्यू नहीं है, थर्मिस्टर नहीं है, स्कीमेटिक नहीं है, सिस्टम ऑन चिप नहीं है, डाटा शीट नहीं है, बायोस फाइल नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पीसीबी नहीं है, फॉर्मवेयर नहीं है, गाइज तो इन्होंने बहुत अच्छा अपडेट किया हुआ है कि अगर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए सपोज हमने सैमसंग का A20 डाल दिया, मतलब यहाँ पे मॉडल नंबर डाल देना है आपको, मतलब यहाँ पे ब्रांड डालने के बाद यहाँ पे अपना मॉडल डाल दीजिए, ठीक है। मॉडल डालने के बाद अपना यहाँ पे कंटेंट चूज कर लिया कि आपको क्या चाहिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमें आपको क्या चाहिए, मतलब इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज आपको ये प्रोवाइड भी कराएंगे, मतलब गाइज की जल्द ही आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे ये लगा यहाँ पे इसका अपडेट। दूसरी अपडेट की बात करूँ यहाँ पे, तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे टोरिटल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब गाइज अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप नए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो लैंग्वेज में, इंग्लिश और इंडोनेशियन यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप क्लिक करते हैं ना गाइज, तो आपको यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल मिल जाता है कि इस साल कैसे इसको टीम डाउनलोड इंडिया के करना गुड है, लक के लिए क्विक सारा कुछ यहाँ पे स्टेप्स जैसे कि आप देख पा बोरियो को रहे हैं। ऐसे तो यहाँ पे पकड़ो। आपको मिल जाता है पूरा, देखिए इंग्लिश लेसन में आपको दिल जाता है कैसे आपको इंस्टॉल करना है, मतलब एक कंप्लीट वीडियो आपको बोर्नियो की तरफ से मिल जाता है, उसको आपको कैसे रजिस्टार्ट करना है, इंस्टॉल करना है, हाउ टू यूज विड मैप, ये सारी चीजें देख सकते हैं कि एक एक चीज आपको देखने को मिल जाती है। बाकी ये चीजें तो मेरे वीडियो में भी डली है, आप वहां से भी जा करके देख सकते हैं। बाकी गाइस की देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जाती है, मतलब ट्यूटोरियल में आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो जो कि ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये भी लगा एक एज अ फ्रेशर होने के नाते कि इसमें क्या क्या फंक्शन होता है, तो यहाँ जाने के बाद कैसे रजिस्टर करना है, कैसे डाउनलोड करना है और उसके बारे में क्या चीजें हैं, तो यहाँ से जा करके आप भी देख सकते हैं। तो ये मुझे बहुत एक खास अपडेट लगा। उसके बाद मैं अपडेट की बात करूँ गाइस, तो एक लास्ट और बेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, तो देख सकते हैं यहाँ पे ई रिसेट वैल्यूबल ऑन पैड, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूबल ऑन पैड, तो यहाँ पे वो जो इन्होंने डाला है ये बहुत ही बेस्ट डाला है। रेजिस्टेंस मैं आपको बात करूँ कि गाइस की कभी कभी क्या होता है, हम फोन पे काम करते हैं तो जो रजिस्टर होते हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा जो रजिस्टर होते हैं उसकी वैल्यू कभी कभी क्या होता है, आईसी आईसी पे काम कर रहे हैं, पावर पे काम कर रहे हैं, सीपी पे काम कर रहे हैं, तो उसके कॉम्पोनेंट निकल गए। अब उसमें कॉम्पोनेंट नहीं पता कौन से कॉम्पोनेंट लगे थे, या फिर रजिस्टर लगा था तो उसमें कौन से वैल्यू का रजिस्टर था। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये लगा गाइस कि आपको जो रजिस्टर है यहाँ पे रजिस्टर की आपको वैल्यू मिल जाती है, जो कि इन्होंने एडिट किया है, जो कि बहुत खास बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी बहुत सारे मॉडल तो ऐड नहीं है, पर यहाँ पे धीरे धीरे ये ऐड कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अगर सोमी की बात कर लूँ या किसी ब्रांड की बात कर लूँ, तो देख सकते हैं इतने मॉडल का इन्होंने ऐड किया है। अगर मैं 5A की बात कर लूँ, नोट 5A, नोट 7 प्रो, तो नोट 7 प्रो की बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसी की भी बात करेंगे तो गाइज जो रजिस्टर होता है आपको एक रजिस्टर बता देगा और उसकी वैल्यू बता देगा गाइज। तो ये बहुत खास अपडेट लगा, देख सकते हैं गाइज हर एक चीज़ आपको यहाँ पे, ये जो बेस्ट पार्ट लगा है गाइज। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने के का रजिस्टर, ये 100K का है, ये 0 ओम्स का है, ये 22K का रजिस्टर है, ये 10
100K का है, 100K का है, 100K का रजिस्टर है, 2.2K के ये रजिस्टर्स हैं, 0 ohms, 0 ohms, 0 ohms। तो गाइज ये बहुत ही बेस्ट पार्ट लगा है यहाँ पे, इसका जो अपडेट है बहुत ही जबरदस्त अपडेट लगा गाइज की। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इसके वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, तीन जबरदस्त अपडेट मैंने आपको बताया है। तो और इसके डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे इसका पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप कमेंट करिए मुझे, और ये कैसा लगा अपडेट आप गाइज जरूर बताइएगा। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट पार्ट लगा मुझे, ये अपडेट जबरदस्त लगा कि कंपोनेंट आपको वैल्यू बता देता है कि किस वैल्यू का रजिस्टर है। बहुत अच्छा अपडेट था गाइस। तो अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको फुल डिटेल फिर से चाहिए बोर्नियो के ऊपर कि कैसे आपको कैसे काम करना है, क्या क्या वर्क होता है इसमें, तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पर कमेंट आपको जरूर करें। ये वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, और एक लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो ये बहुत ही अच्छा लगा गाइस कि जो ये अपडेट इन्होंने डाला कि रजिस्टर का वैल्यू बहुत बेस्ट है, कि आप बार बार डायग्राम से भी पता कर सकते हैं, पर यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बहुत इजी तरीके से काम कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।